नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस, जो RBSE और CBSE दोनों के लिए ये सेम बुक है अभी, और चैप्टर नंबर 6 है नागरिकता, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो यहाँ अगर नागरिकता की जो परिभाषा है, सुप्रसिद्ध परिभाषा है, उससे अगर शुरुआत करें तो नागरिकता एक राजनीतिक जो समुदाय है उसकी पूर्ण और समान सदस्यता है। देखो, ये जो परिभाषा है वो T.H. मार्शल की दी हुई है। तो T.H. मार्शल का ये कहना था, यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, T.H. मार्शल की परिभाषा है कि एक समुदाय है उसकी पूर्ण सदस्यता, पूर्ण का सदस्यता। देखो, नागरिकता होती है, जो सदस्यता होती है वो कभी आधी अधूरी नहीं होती। ऐसा नहीं कि आधा भारतीय आधा किसी और देश का, ऐसा नहीं होता है। सदस्यता होती है वो पूर्ण होती है और सबको समान दी जाती है। जैसे भारत में हम सब भारतीय, तो वहाँ सदस्यता क्या होती है, एक समुदाय है जिस समुदाय में हम रह रहे हैं, जैसे भारतीय समुदाय है, भारतीय समुदाय में सबको जो नागरिकता दी गई है वो समान दी गई है। तो इस अध्याय में हम छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता के सही सही अर्थ क्या हैं। इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो ये चीज़ पूर्ण और जो समान सदस्यता है उसकी व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं। और जो नेक्स्ट है परिच्छेद, उसमें है नागरिक और जो राष्ट्र के बीच संबंध है तथा विभिन्न देशों में जो नागरिकताएं हैं उनकी कसौटी की, किस किस प्रकार से नागरिकताएं दी गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ जो नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ, देखो अगर नागरिकता के सिद्धांतों की बात करें तो कई प्रकार के सिद्धांत आते हैं। ये नागरिकता हमने पहले पढ़ रखा है चैप्टर, अगर आप पूरा इसका डीपली पढ़ना चाहते हो तो पुराने जो नागरिकता के वीडियोज़ हैं, जो UGC नेट है, पॉलिटिकल साइंस 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, उनसे रिलेटेड है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो नागरिकता के। तो उदारवादी सिद्धांत है, स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है, उनमें से एक सिद्धांत आता है लोकतांत्रिक, यानी जो भारत जैसे लोकतंत्रीय देश हैं उनके लिए ये सिद्धांत है कि नागरिकता है वो क्या होनी चाहिए, सार्वभौम होनी चाहिए, यानी सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गोरा हो, काला हो, इसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए क्या, या फिर ऐसी हालत में हम उन जो तमाम राष्ट्रविहीन लोग हैं उनके अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे, और इस मुद्दे के बाद परिच्छेद में विचार किया जाएगा। ये जो मुद्दा है, जो शरणार्थी है, हम इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं, जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, यानी यहाँ ये कह रहा है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए, भाई सबके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब है सार्वभौम, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लेकिन अब सार्वभौम होनी चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे इस दुनिया में लोग हैं जिनके पास अभी भी वो नागरिकता नहीं, वो नागरिकता के लिए भटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती है उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम बात करेंगे। और जो वैश्विक नागरिकता है उसके मुद्दे पर विचार होगा कि इसका क्या औचित्य है और क्या ये राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो जो चैप्टर अगर हम पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या व्याख्या कर पाओगे, एक तो नागरिकता के अर्थ की, और जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है उनके बारे में भी क्या विचार करने में समर्थ हो जाओगे। तो यहाँ भूमिका, देखो भारत की अगर बात करें तो भारत ने, देखो एक झंडे के तले हैं सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यानी ना किसी जाति धर्म आधार के ऊपर नागरिकता में कोई भेदभाव नहीं किया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नागरिकता की परिभाषा, ये जो अभी T.H. मार्शल वाली परिभाषा थी वही है कि किसी भी समुदाय की, जो राजनीतिक समुदाय है, क्योंकि हम देखो राजनीतिक समुदाय में रह रहे हैं, और समान सदस्यता के रूप में की गई है। राजनीतिक समुदाय का अर्थ ही है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अब जैसे भारत की बात करें, भारत का प्रत्येक जो समुदाय है वो राजनीति में क्या है, इन्वॉल्व है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी संविधान ने दिया वो सबको क्या है, समान मात्रा में दिया हुआ है। तो समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए थे। पहचान तो हो गई देखो नागरिकता, इसके अलावा उनको देखो कुछ अधिकार भी, जैसे बात करें भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता है, समानता है, जो धर्म का अधिकार है, ये कई सारे जो अधिकार दिए गए हैं
इनके साथ साथ क्या है, उनको एक नागरिकता भी दी गई है। इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय कहते हैं, जापानी कहते हैं या जर्मन मानते हैं। भाई जो जिस देश का है उसके संविधान ने उसको पहचान दी है, वो उसी आधार पर हो जाएगा। जैसे हमें भारतीय संविधान ने पहचान दी है तो हम भारतीय हो गए। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। तो देखो जो स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है, वैसे आपसे रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा बता देता हूँ, स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है वो यही कहता है कि राज्य जो है उसकी नागरिकता की आवश्यकता लोगों को इसलिए पड़ती है क्योंकि सुरक्षा लोगों को चाहिए होती है। सबसे पहली जो बात है वो सुरक्षा। तो सुरक्षा और सहयोग ये दोनों चीज़ें हैं वो व्यक्ति को चाहिए। और साथ में जैसे भारत में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है जैसे आर्टिकल 19 के तहत है, तो किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठाक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी है या फिर जो अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ये रोहिंग्या मुसलमान है या फिर अभी जैसे बात करें अमरीका मैक्सिको बॉर्डर है उसके ऊपर भी ये सेम सारी चीज़ें चल रही है। तो इनसे संबंधित देखो एक बहुत फेमस हुआ था एलन कुर्दी मतलब जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। ये दो मैं आपको थोड़ी पिक्चर दिखाता हूँ। देखो एक तो एलन कुर्दी था और एक था ऑस्कर अल्बर्टो। तो दोनों की देखो पिक्चर दिखाता हूँ आपको। तो ये जो फोटो है वो है एलन कुर्दी की जो समुद्र तट के ऊपर मर्त पाया गया था। ये सीरियाई बालक था। वो तो सीरिया में क्या गृह युद्ध चल रहा है, तो गृह युद्ध चल रहा है तो अब जैसे भारत तो एक तरह से ये कहें जन्नत है ऐसे बाकी सारे देशों को देखा जाए तो इसके पिताजी उसको तुर्की से लेकर ग्रीस जा रहे थे कि भाई गृह युद्ध चल रहा है तो अपनी जान बचाने के लिए सारे भागते हैं। तो वहाँ नाव पलट गई थी और तब क्या है ये एलन कुर्दी है वो मारा गया था। तो ये 3 वर्ष का बालक था। देखो आप इसको कैसे मतलब एक किसकी गलती लेकिन भुगतना पड़ा इसको। इसके अलावा जैसे ये एक अमेरिकन मैक्सिको बॉर्डर की तस्वीर आती है। ये ऑस्कर अल्बर्टो थे जो अपनी पुत्री को साथ लेकर ये क्या है नदी पार कर रहे थे। हुआ ये था कि ये जो अमेरिका जो मैक्सिको बॉर्डर है ये मैक्सिको में वास्तव में क्या भुखमरी फैल गई है। वहाँ काम नहीं है, भोजन की मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं अमेरिकी बॉर्डर को पार करते हैं, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर उसको पार करते हैं। तो वहाँ क्या है स्टील की दीवारें बनी हुई है, मतलब ये कहें कि कुछ भाग के ऊपर बनी हुई है और कुछ भाग के ऊपर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक बजट भी पारित करवा रहे हैं जो बहुत महंगा लगभग 1400 अरब डॉलर के आसपास बहुत बड़ी रकम है। उससे क्या स्टील की दीवारें वो बनवा रहे हैं अमेरिकन मैक्सिको बॉर्डर पर। तो इसी बॉर्डर के पास ही बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी रहती है, कई बार आर्टिकल प्रकाशित होते रहते हैं विभिन्न न्यूज़पेपरों में। तो ये नदी पार कर रहे थे, अब पहले अपनी पत्नी को पार करवाई मतलब पार करवा रहे थे तो इसी दौरान बच्ची ने क्या है छलांग लगा दी कि मेरे पिताजी डूब रहे हैं नदी में, ऐसे करके उन्होंने छलांग लगा दी। और जब ये बचाने के लिए उसको वापस गए तो इनके साथ इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने सोचा जब डूब ही रहे हैं तो इन्होंने फिर पुत्री को अपनी क्या टी शर्ट में डाल लिया था ताकि क्या मैं अंतिम समय तक उसके साथ रह सकूं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ये शरणार्थी जो समस्या है इसको एक तरह से क्या सभी पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। ऐसे लोगों को देखो कोई भी अधिकार की गारंटी नहीं है। अब भाई कहीं का नागरिक भी उस वो नहीं है तो उसको अधिकार कौन देगा। अधिकार तो वही है जैसे हम भारतीय हैं तभी हमें अधिकार मिले हुए हैं। और वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कैसे अपनी जान दे रहे हैं, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व जो फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या है उसके मामले में भी ये चीज़ें देख सकते हैं। ये सेम हाल जो फिलिस्तीन शरणार्थी है उनके लिए। तो ये जो नागरिकों को जो प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। देखो ये राष्ट्र की प्रकृति के ऊपर है, वहाँ का कैसा परिवेश है, कैसा उसका मतलब विकास उसने कैसा कर रखा है। सब राष्ट्र अपने अपनी तरीके से क्या है इनको अधिकारों को क्या है प्रकट करते हैं। जैसे भारत में अलग प्रकार से दिए गए तो हो सकता है किसी पड़ोसी देश में अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हों, लेकिन अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें से कुछ राजनीतिक अधिकार उन्होंने क्या है शामिल किए हैं। जैसे मतदान है, अभिव्यक्ति है या आस्था है, इनकी आज़ादी क्या है
इसके अलावा जो नागरिक अधिकार है, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है, और ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये ज़्यादातर जो अधिकार हैं वो ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने दे रखे हैं। अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकों नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। तो ये अधिकार हो और फिर समानता वाली जो चीज़ है ये दोनों हो तो ही नागरिकता क्या एक तरह से क्या है अपने महत्व को सार्थक सिद्ध कर सकती है। सबको अधिकार मिले, सबको सबकी प्रतिष्ठा है, जो भी है चाहे गरीब हो अमीर हो, प्रतिष्ठा सबकी समान रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी का लेवल देख के उसके साथ भेदभाव करते हो, समानता का अधिकार का हनन कर रहे हो, तो नागरिकता क्या है वहाँ सफल नहीं हो पाएगी। और नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया। जैसे हम ये कहते हैं हमें आज़ादी मिली है वो बड़ी संघर्षों के बाद मिली है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आज़ादी हमें फ्री फोकट में मिली, बड़े लोगों ने बलिदान दिया था, लाखों लोग एक तरह से शहीद हुए थे, तब जाकर क्या है हमें ये आज़ादी मिली है। और आज़ादी मिलने के बाद ये जो संविधान हमारा बनाया गया जिसमें हमें आज नागरिकता दी गई, अधिकार दिए गए, उसके लिए भी क्या है बड़ा संघर्ष हुआ है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष जो है वो शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। अनेक यूरोपियन देशों में ऐसे संघर्ष हुए हैं, उनमें से कुछ जो संघर्ष थे वो हिंसक थे और कुछ थे वो क्या है नॉर्मल थे। तो जैसे 1789 का है वो फ्रांसीसी क्रांति का संघर्ष है। तो यहाँ देखो एक ये चित्र और दे रखा है जो किससे संबंध है, वो अपने राजस्थान से ही संबंधित है, और ये है खेजड़ली आंदोलन जिसमें महिलाएं वो पेड़ के चिपक के रखी है, यानी चिपको आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ जोधपुर के, ये जोधपुर के अंदर एक गांव था खेजड़ली, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के राजा थे जोधपुर के राजा अभय सिंह, तो वो क्या एक महल बनवा रहे थे, तो उन्होंने अपने जो मंत्री था गिरधारी दास भंडारी उसको आदेश दिया कि भाई नया महल बनाया जा रहा है तो उसके लिए जो चूना है उसको गर्म करने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए, तो खेजड़ी की लकड़ी लाने के लिए इनको खेजड़ली गांव में भेज दिया। तो ये अमृता देवी और उनकी पुत्रियाँ थी, उन्होंने कहा कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कट जाता है फिर भी अगर पेड़ बचता है तो वो बहुत अच्छा है। ये विश्नोई संप्रदाय था यहाँ पूरे खेजड़ली और उसके आसपास के गाँव में, और अमृता देवी और उसकी तीन पुत्रियों ने जब वो काटने लगे, पेड़ काटने लगे तो अपनी गर्दन रख दी थी, और धीरे धीरे ऐसे करते करते उस पूरे गांव में पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ली में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। इसके बाद जो अभय सिंह थे उनको भी बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने जो विश्नोई थे वहां के उनको ताम्र पत्र से सम्मानित किया और ये जो पेड़ काटने के ऊपर क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये खेजड़ली आंदोलन है। तो यहाँ जो कुछ से प्रदर्शन थे जो वो हिंसक हुए थे, जिसमें 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है वहाँ खूब खूनी संघर्ष हुए थे, खूब खून बहा था, उसके बाद जाके क्या है वहाँ लग के लोगों को आज़ादी मिली थी। और ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक तरह से किसकी देन है, ये रूसों की ही देन है। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना के ऊपर ये क्रांति लड़ी गई थी। तो एशिया और अफ्रीका के जो अनेक उपनिवेश में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। जैसे गांधी जी से संबंधित भी बात आती है कि जब वो दक्षिणी अफ्रीका में थे, बैरिस्टर थे, वकील थे, तब उनको क्या है ट्रेन से उतार दिया गया था कि आप फर्स्ट श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते। तो गोरे और कालों में क्या है विभेद किया जाता था। तो दक्षिणी अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की जो अश्वेत जनजाति है, आबादी है, जो काले लोग थे, उनको सत्तारूढ़ जो गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा था। तो ये तो हाल ही में अभी बहुत चर्चा में रहा है गोरे कालों का मुद्दा, तो जो जॉर्ज फ्लाइड है अमेरिका में, ये अभी हाल में चर्चा में है जॉर्ज फ्लाइड। तो ये क्या थे, अश्वेत थे, और वहाँ अमेरिका के एक श्वेत अधिकारी, गोरे अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने क्या है उनकी गर्दन के ऊपर अपना घुटना रख दिया था और एक तरह से क्या उनकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद ये जो मैटर है गोरे और कालों का खूब चला था। और अमेरिका से संबंध की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने भी इसके लिए क्या है खूब संघर्ष किया था, गोरे और कालों के बीच जो विभेद है उसके लिए कि सबके बीच क्या है समानता आ जाए।
तो 1990 के दशक के आरंभ तक ये संघर्ष है वो जारी रहा था, और 1990 क्या आज भी ये क्या है जारी है, जो अभी बताया अभी हाल फिलहाल की ये घटना है जॉर्ज फ्लाइड वाली। तो पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल ये है अमरीका वाला। और आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे दलित आंदोलन कई होते रहते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, तो उनका मकसद भी क्या था कि बराबरी का दर्जा सबको दिया जाए। तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जब आंदोलन हुए उसके बाद से ये सारी परिस्थितियां क्या हो गई है, चेंज हो गई है, कि उनका मकसद क्या था, अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकर्षित कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को क्या है प्रभावित करना। आज भारत में ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार है, सबको समानता का दर्जा दिया गया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उनके सदस्य के संबंधों के का निरूपण ही नहीं है, बल्कि क्या है उससे क्या है अधिक है, यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसके साथ साथ इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व भी क्या है शामिल है। भाई ये नहीं कि एक सिर्फ नागरिकता ही, भाई ठीक है राज्य ने दे दी नागरिकता ठीक है, इसके अलावा भी क्या है, जैसे अब आप कहीं विदेश में जाओगे तो वहाँ आपको कोई भारत वाला मिल जाएगा तो आत्मीयता अपने आप ही क्या है वहाँ झलकने लग जाती है। इसके अलावा भी समाज में भी क्या है सबके दायित्व निर्धारित रहते हैं, इनसे इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा सौंपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं है, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। तो ये जो अफ्रीका वाली बात है वो देखो 1994 तक दक्षिणी अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए ब्यौरों को पढ़े, तो जो श्वेत लोगों को मत देने का, चुनाव लड़ने का और सरकार चुनने का अधिकार था, अब देखो काले लोगों को ये अधिकार ही नहीं था, वे संपत्ति खरीद सकते थे, देश में कहीं भी आ जा सकते थे, काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे उनके लिए। देखो काले गोरे लोगों के लिए पृथक पृथक मोहल्ले थे, पृथक पृथक कॉलोनियाँ थी, अलग अलग स्कूलें थे, उनको गोरे लोगों की जो मोहल्ले थे उनमें काम करने के लिए भी पास लेने पड़ते थे, उन्हें गोरों के इलाके में अपने परिवार रखने की अनुमति नहीं थी, तो अलग अलग स्कूल थे, तो कितना एक तरह से भेदभाव किया जाता था गोरों और कालों में। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्याय से भी माना जाता है, भाई अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे कौन बढ़ाएंगे, हम ही बढ़ाएंगे, प्राकृतिक संसाधन है वो भी हमारे लिए है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, यानी एक तरह से उत्तराधिकारी क्या है हम ही हैं। किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का सबसे अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूह द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो महसूस करते हैं कि उनमें आपकी उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया। तो इन सारे उदाहरणों के बारे में अभी हम बात करते हैं। देखो संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है, अब देखो ये अमूमन सब ने देखा होगा कि ट्रेन में जैसे मान लो जनरल बोगी है, चलो रिजर्वेशन वाले में भीड़ नहीं होती है, जनरल बोगी में क्या करते हैं अंदर प्रवेश करने के लिए लड़ाई होती है, और जो प्रवेश पा लेता है, जो अंदर प्रवेश पा लेता है वो फिर ये सोचता है कि यार बाहर वाला अंदर ना आए ताकि भीड़ ना बढ़े। देखो अंदर पहुँचते ही वो दूसरों की बाहर रखने के साथ जिस स्वार्थ में शामिल हो जाता है, और जल्दी देखो एक तो हो जाते हैं भीतरी लोग और एक हो जाते हैं बाहरी लोग। भीतरी लोग वो होते हैं जो दूसरों को अंदर नहीं आने देंगे, गेट को बंद कर देंगे, गेट को छोड़ वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं खिसकेंगे, और बाहर वाले ये सोचेंगे कि कैसे ना कैसे करके अंदर घुस जाएं ताकि अपने इस सफ़र को शुरू कर सकें और अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। तो ये क्या है, ये है बाहरी और भीतरी, जिसको हम बोलते हैं लोकल और बाहर, लोकल। ये जैसे स्कूलों के संदर्भ में देखा जाए तो कई स्कूलों में स्टाफ है वो लोकल का रहता है, ठीक है, और आधा स्टाफ है वो क्या रहता है जैसे मान लो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रहता है, तो उनको क्या कहते हैं वो, ये तो बाहरी लोग हैं। इतना मतलब लोगों में जहाँ ये पढ़ा लिखा समुदाय है जैसे स्कूल को मानते हैं, जहाँ पढ़ा लिखा समुदाय है वो भी ये चीज़ें अपनाता है, एक होता है लोकल उसको कहते हैं ये तो अपना आदमी है, और जो बाहर का किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया है वो उसको क्या कहते हैं ये बाहरी है।
तो इसी तरह जो समय समय पर अन्य नगरों प्रदेशों और प्रक्रियाएं चलती रहती है पूरे राष्ट्र में, जैसे आजीविका है, चिकित्सा है या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो, तो बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सह नागरिक क्यों न हो। आपको मुंबई मुंबई कर, मुंबई वालों के लिए है ये नारा, आपको याद होगा ये आया था नारा कि मुंबई है वो मराठों के लिए है। तो बहुत सारे जो बिहार के लोग थे, यूपी के जो मजदूर वर्ग थे, उनको क्या है ज़बरदस्ती भगाया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। तो कहने का मतलब सब एक सह नागरिक हैं भाई, मुंबई वाले हैं वो भी भारतीय हैं, बिहार वाले हैं वो भी भारतीय हैं, हम राजस्थान वाले हैं वो भी सब भारतीय हैं। तो सह नागरिक होते हुए भी क्या है ऐसा होता है जिसमें ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं कि एक को बाहर का समझ रहे हैं, एक को क्या है वहाँ का लोकल का समझ रहे हैं, भाई दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। जैसे सेम एग्जांपल अभी एमपी का देते हैं, तो एमपी ने क्या कर दिया कि बाहर का कोई भी जो व्यक्ति है वो यहाँ सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है सीएम, उन्होंने ये आदेश निकलवा दिया। तो अब देखो एक ही देश के होते हुए भी उन्होंने क्या ये भीतरी और बाहरी इसका क्या है सीधा सीधा प्रकट कर दिया है। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के संघर्ष होते आए हैं, और इससे ये प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि नागरिकों को देश में जहाँ भी चाहे रहने की, पढ़ने की, काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। और क्या इसका अर्थ ये कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को बुनियादी जो अधिकार हैं और सुविधाएँ हैं वो मिलनी चाहिए। तो इन परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। तो भाई देखो, नागरिकों को देश में जहाँ चाहे रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहाँ चाहे पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी काम कर सकता है भाई। जैसे मान लो मैं योग्य हूँ किसी दूसरे काम के लिए, आईटी सेक्टर के लिए योग्य हूँ, अब आईटी सेक्टर का लिए योग्य हूँ तो मैं राजस्थान में क्या इसके लिए इतना स्कोप नहीं, तो फिर मैं क्या बेंगलोर जैसी सिटी है वहाँ क्या पलायन करूँगा। तो सबको हर जगह काम करने का अधिकार, जिसकी जैसी योग्यता है वैसा उसको अधिकार मिलना चाहिए काम करने का। तो अपने देश में अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में से एक है गमनागमन की स्वतंत्रता। मतलब आप पूरे भारत में कहीं भी गमन कर सकते हो। किसी दूसरे देश का होता है उसको तो पासपोर्ट वीजा चाहिए, लेकिन भारत का जो व्यक्ति है, जो भारतीय है, उसको पूरे भारत में कहीं भी गमन करने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व, जो मजदूरी वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, कामगार वर्ग है, उनके लिए विशेष महत्व है। गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में अप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसे अभी चल रहा प्रवासी जो मजदूरों का मुद्दा है, जैसे कोरोना महामारी फैली तो जो वहाँ से लोग थे वो अपने अपने गृह जिलों में आ गए थे, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, अब श्रमिक थे नहीं उनके पास, तो चालू कैसे करें। तो रोजगार की तलाश में क्या होते हैं, कुछ लोग बाहर भी जाते हैं, विदेश में जाते हैं, जैसे ये अरबियन कंट्रीज में भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए भी बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये अभी आ गए ना, देखो सूचना तकनीक वाला है, अधिकतर कर्मी बेंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। केरल की नर्सें आपको पूरे देश में कहीं भी मिल जाएंगी, चाहे किसी भी सिटी में चले जाओ वहाँ आपको केरल की नर्सें मिल जाएंगी, विदेशों में भी सब जगह मिल जाएंगी। शहरों में तेजी से पनपता जो भवन निर्माण उद्योग है, देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को क्या है आकर्षित करता है। जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं वहाँ भवन निर्माण उद्योग है, तो मजदूर वर्ग है वो भी क्या है उनको भी, मजदूर वर्ग को भी क्या है वो सिटियाँ आकर्षित करती हैं, भाई उधर आसानी से काम मिल जाएगा। अब गाँव में 30 के 30 दिन जो मजदूरी है वो मिलना असंभव है, इसलिए वो क्या है शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं, और शहरों में भी बड़े शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्र में मजदूरों को देखा भी होगा, और ये एक मार्टिन लूथर किंग वाली बात आ गई, ये अग्रणी काले नेताओं में से थे जिन्होंने क्या है इसके लिए खूब आवाज़ें उठाई थी, खूब लंबा संघर्ष इसके लिए चलाता कि अधिकार हैं वो क्या है बराबर होने चाहिए। तो हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों के प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है, और कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। जैसे अभी जैसे बाड़मेर में रिफाइनरी लगी है, तो वहाँ क्या क्या कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्या है वहाँ के लोकल लोगों को क्या काम दिया गया शुरू में। तो
राजनीतिक पार्टियां भी ये मुद्दा अक्सर उठाती रहती हैं, जैसे राजस्थान में भी अभी मांग उठने लग गई है कि अब सारे राज्य ऐसे कर रहे हैं तो राजस्थान में क्यों, राजस्थान की क्यों नौकरियां बाहर के लोग ले जाएं। तो जैसे एक मैं फॉर एग्जांपल जैसे लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम लगी थी 2016 में, तो उसमें करीबन 12% जो हिस्सा है वो बाहर के लोग ले गए, मतलब MP बाहर का। वही बात जो अभी अपन कह रहे हैं वही बाहर वाली बात आ जाती है यहीं भी, कि MP है जो गुजरात है, UP है, वहाँ के जो लाइब्रेरियन कोर्स किया हुआ था उन्होंने 12%, मतलब 100 में से 12 नौकरियाँ उन्होंने ले ली जो राजस्थान के लोगों को मिलनी चाहिए थी। तो यह प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का रूप भी ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर रहे चुके हैं, और ऐसे आंदोलन क्या हमेशा न्याय संगत होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उससे हम गुस्सा हमारे को आ जाता है, और इससे भी संभव है कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह, उनमें बहुत सारा उद्योग धंधा है, गुजरात है, उनमें दूसरी जगह से क्या मजदूर आते हैं, श्रमिक आते हैं। तो राज्य को गर्व होना चाहिए कि भाई हम दूसरों को क्या है रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में आप काम अपर्याप्त हो तो संभव है कि स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदिता से नाराज हो सकते हैं। तो क्या गमनागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? तो वास्तव में ये भी है, कहीं भी हम रह सकते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। एक अन्य बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, वो ये है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह के स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। जैसे गांव में एक सीधा सा उदाहरण है, गांव में मान लो एक मजदूरी कर रहा है और एक बहुत ऊपर पोस्ट के ऊपर मान लो कोई कॉलेज लेक्चरर ही मान लो आप, तो दोनों से आप बात करोगे तो उसमें क्या है लोगों के अंतर झलकने लग जाता है। कोई एक मजदूरी करता है और एक बहुत सा कोई टेक्नीशियन है, तो दोनों से जो काम भी वही कर रहे हैं भाई, अब जैसे मान लो कॉलेज लेक्चरर वो भी क्या काम ही कर रहा है और जो मजदूर है वो भी काम ही कर रहा है, दोनों ही कामगार, लेकिन दोनों में क्या है अंतर जनता पैदा कर देती है। तो इससे प्रश्न क्या उठता है कि गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है क्या, या देश के सभी नागरिकों को पूर्ण और जो समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज देश में बहस चल रही है। तो यूं कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में विवाद उठ सकते हैं, ऐसे विवादों का निदान कैसे हो, प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पहलू है। तो प्रतिवाद करने का अधिकार का मतलब कि हम उसके खिलाफ संघर्ष करने का, मतलब वाद कोई अपने करता है तो उसके खिलाफ प्रतिवाद, मतलब उसको जवाब देना, ये हमारे संविधान में यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरह से। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पहलू है प्रतिवाद करना, बशर्ते हुए प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हम प्रतिवाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही प्रतिवाद हो जिससे क्या है किसी दूसरे का जीवन खतरे में नहीं, दूसरे को परेशानी ना हो या राज्य और किसी की पर्सनल संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। ये सब दिया हुआ है आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। कोई भी सभा कर सकता है बिना हथियारों के, ठीक है, समूह बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अदालतें उस पर निर्णय दे सकती हैं या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती है। भले ही ये प्रक्रिया हो धीमी, लेकिन इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव है, यानी कम ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं, लेकिन मिलती जरूर हैं। और अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुँचना संभव होना चाहिए। तो लोकतंत्र तो देखो एक बुनियादी सिद्धांत है, बुनियाद है ये तो पूरे राष्ट्र की, और ऐसे विवादों का जो समाधान है वो बल प्रयोग के बजाय क्या है संधि वार्ता और विचार विमर्श से हो, ये नागरिका के जो नागरिकता है उसके प्रमुख दायित्वों में से एक है। तो
समाधान ये कि सबके लिए सर्वमान्य जो समान सदस्यता है वो होनी चाहिए, समान नागरिकता क्या है वो होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के ये जो इस जो हम पढ़ रहे हैं इसमें उसका मूल मोटो यही है। तो यहाँ जो प्रवासी मजदूर अगर नहीं जाएंगे तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनकी हालत क्या हो जाएगी। देखो ये कार्टून से आप समझ सकते हो, ये पसीना आ रहा है इस औरत के, रोटियां बेल रही हैं। शहरी व्यक्ति है जो नौकर वगैरह रखते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, ये सारे काम क्या है वो उनके प्रवासी जो उनके या एक तरह से ये कहें कि घर पे काम कर रहे हैं उनको उनके जिम्मे होता है। कचरा डालने वाला है, बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ के आने वाला है, कहीं खिलाना है बच्चों को, कहीं बच्चों की शॉपिंग करवानी है, जैसे गाड़ी धोनी है, घर पे पोछा लगाना है, कपड़े धोना है, बर्तन साफ़ करने हैं, ये सब देखो सब के पसीना आ रहे हैं। तो इस कार्टून का मतलब यही है कि जब ये प्रवासी मजदूर नहीं होंगे, जो नौकर वर्ग नहीं होगा, तो बड़ी जो शहरी वर्ग है उसकी बड़ी दुर्दशा होनी है। तो बाकी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।